केंद्र सरकार ने जनधन योजना के नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की ताकि देश के हर परिवार के पास बैंक खाता हो और आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिया जा सके। इसके तहत विशेष अभियान चलाया गया और करोड़ों खाते खुलवाए गए, लेकिन उस वक्त करोड़ों खातों में कोई पैसा नहीं जमा हुआ। लेकिन नोटबंदी के बाद अब इन खातों में कैश ही कैश चमक रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 8 नवंबर के बाद अब तक जनधन खातों में जमा राशि बढ़कर 64,000 करोड़ के पार चली गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में दिए लिखित जवाब में इसका ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3,89,00,000 खाते हैं, यहां 10,670 करोड़ की राशि जमा हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, जहां 2,44,00,000 खातों में 7,826 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। राजस्थान का तीसरा नंबर है, जहां 1,89,00,000 खातों में 5,345 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। वहीं बिहार में 16 नवम्बर तक 2,62,00,000 जनधन खातों में 4,912 करोड़ की राशि जमा हुई है। हालांकि अभी कई खाते ऐसे भी हैं जिनमें कोई पैसा नहीं जमा कराया गया है। जो जनधन खाते पहले खाली पड़े रहते थे, उन खातों में अचानक इतना पैसा आना चौंकाने वाला है। वहीं इनकम टैक्स विभाग इन खातों पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर इतना पैसा इनमें कैसे पहुंचा और इसका स्रोत क्या है। देखते रहिए डीबी लाइव।